दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बता दे कि अगर आप यूपी, सीबीएसई, राजस्थान या महाराष्ट्र बोर्ड के छात्र हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आपके लिए बोर्ड की ओर से ऑफिशियल तौर पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जिसे जानने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और आज की कोई सी भी जानकारी को मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज की सारी बड़ी खबरों को एक एक करके। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। बता दें कि आपको मिलेंगे बोनस अंक। बोर्ड ने कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए कक्षा दसवीं और बारहवीं के सिलेबस को 30% तक कम किया था, लेकिन परीक्षा में कई सवाल इस 30% वाले हिस्से के अलावा आउट ऑफ सिलेबस से भी आए थे, जिसके कारण यूपी बोर्ड छात्रों को इन प्रश्नों के लिए अतिरिक्त यानी कि बोनस अंक देगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज की अगली और बड़ी खबर। आपको बता दें कि राजस्थान समेत अन्य कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं और लाखों छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। वहीं सीबीएसई और पंजाब जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। तो इसी बीच सीबीएसई बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए नई खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के कारण अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है या उसे टर्म 2 की परीक्षा छोड़नी पड़ती है, तो वैकल्पिक ग्रेडिंग योजना के तहत बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने जरूरी निर्देश को जारी किया है। तो ये सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए काफी अच्छी न्यूज है कि अगर कोई स्टूडेंट टर्म 2 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है या फिर टर्म 1 की परीक्षा छोड़ दी है, तो उसे किसी दूसरे सब्जेक्ट के नंबरों के आधार पर अपग्रेड कर दिया जाएगा।